वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि मायूर वर्मा ने की है डेवोलिना की FIR। जी हाँ, वो तो हुई एक बात कि डेवोलिना की उन्होंने की थी FIR। मुद्दे क्या थे वो भी आपको पता ही होंगे, क्योंकि हम अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि उन्होंने शहनाज के बारे में की थी काफ़ी अनाप शनाप बातें डेवोलिना ने, जो कि मायूर वर्मा को पसंद नहीं आई थी। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि उन्होंने आवाज़ उठाने की हिम्मत की थी कि आप किसी के बारे में इतना गलत कैसे कह सकते हैं। हालांकि और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी और किसी ने भी शहनाज का साथ देने की हिमाकत नहीं की थी, लेकिन मायूर वर्मा ने शहनाज का साथ देने की हिम्मत की और आवाज़ उठाई, तब डेवोलिना ने मायूर वर्मा को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई, काफ़ी अनाप शनाप कहा। इस पर मायूर वर्मा ने की डेवोलिना की FIR। लेकिन अब एक नया मुद्दा और मामला सामने आया है। क्या है कि मायूर वर्मा को मिल रही है लाइफ थ्रेटनिंग की धमकी। जी हाँ, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साफ साफ बताया है। जी हाँ, और अब उन्होंने की है डेवोलिना के फैंस पर FIR। जी, वो कर चुके हैं और इसके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे ये धमकी डेवोलिना के फैंस से मिल रही है और उनके फैंस मुझे लाइफ थ्रेटनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, इस तरह के जो आरोप हैं वो मायूर वर्मा ने लगाए हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मामला ये है कि एक और केस लग चुका है डेवोलिना के ऊपर। बिकॉज ये डेवोलिना के फैंस हैं, तो पुलिस सारी चीज़ों को खंगालना शुरू करेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं डेवोलिना का नाम एक बार फिर से आ रहा है और उन्होंने चीज़ें ही बीते दिनों ऐसी की जिसके कारण मायूर को उनकी कंप्लेंट करनी पड़ी। और अब दोबारा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण मायूर को फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डेवोलिना करवा रही हैं, उनके फैंस कर रहे हैं। खैर, जो भी हो, देखते हैं आगे मामला कहाँ तक पहुँचता है। खैर, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमेशा लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।